शेरगढ़ में पटवारी परसराम को 1000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। पटवारी ने जमीन नामांतरण के लिए 5000 की रिश्वत मांगी थी, बाद में 2000 रुपए में बात तय हुई। कुछ राशि परिवादी ने पहले दे दी और अब पटवारी को 1000 रुपए लेते पकड़ा गया है। सीकर एसीबी ने लाडनू में ट्रैप की कार्रवाई की है। एसीबी ने सुनारी के पटवारी नारायण लाल को 8000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। आरोपी ने जमीन का रूपांतरण करने के लिए रिश्वत ली थी, जिसकी शिकायत मिलने पर एसीबी के डीएसपी जाकिर अख्तर ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। 8000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी ट्रैप हुआ है। सुनारी पटवारी नारायण लाल ट्रैप हुआ है। रिश्वत की रकम के साथ सीकर एसीबी की लाडनू में बेहद अहम कार्रवाई थी, जहाँ 8000 की रिश्वत लेते पटवारी को ट्रैप किया गया। पटवारी नारायण लाल तहसील परिसर में गिरफ्त में आया है। एसीपी डिप्टी जाकिर अख्तर ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां कामयाबी मिली और पटवारी गिरफ्त में। परिवादी गणेश, जिसके जमीन का तकासमा को लेकर सुनारी पटवारी नारायण लाल द्वारा उसको बार बार परेशान किया जा रहा था, इस पर गणेश परिवादी ने एसीबी को संपर्क किया, जिसकी अब मेरे से 10000 रुपये मांग रहे। सत्यापन करवाया गया, सत्यापन से 8000 रुपये की मांग सत्यापन तय हुई। इस पर आज 8000 रुपये देते हुए पटवारी से नारायण लाल को उसके पटवार से गिरफ्तार किया, कार्रवाई जारी है। चित्तौड़गढ़ की नई एसपी प्रीति जैन ने पद संभाल लिया है। उन्होंने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा कि चित्तौड़गढ़ जिला पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां आने वाले पर्यटकों में अच्छा मैसेज जाना चाहिए और इसके अलावा मादक पदार्थ तस्करी पर भी शिकंजा कसा जाएगा। आईपीएस प्रीति जैन से बात की सहयोगी पी के अग्रवाल ने। हाल ही में जारी हुई आईपीएस की तबादला सूची में चित्तौड़गढ़ के भी पुलिस अधीक्षक बदले गए थे और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ में भी आईपीएस प्रीति जैन ने ज्वाइन कर लिया है। जानने की कोशिश करेंगे मैम, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? जिला चित्तौड़ में मुख्य रूप से सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से बहुत आवश्यकता है कि हम पब्लिक के साथ अच्छा समन्वय बना करके, पुलिस और पब्लिक के बीच अच्छा संवाद और सामंजस्य हो, ताकि जिले में एक सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति बने रहे। और कुछ बेल्ट इस एरिया में हैं जिनमें त्वरित रूप से पुलिस की उपस्थिति कार्रवाई जरूरत पड़ने पर आवश्यक होती है, तो हम पूरी प्रयास करेंगे कि हमारी त्वरित एक्शन हो और कोई भी इस प्रकार की घटना यदि होती है तो हम उसको टाल सकें। इसके अलावा ये क्षेत्र जैसा सभी जानते हैं NDPS ड्रग्स अफीम डोडा छुरा और इसकी तस्करी के लिए विख्यात रहा है, तो उसमें हम प्रयास करेंगे कि जो भी इस तरह के अपराधों में संलिप्त व्यक्ति हैं, विशेष रूप से जो बड़े तस्कर हैं या रूट के रूप में ये जो यूज़ हो रहा है मध्य प्रदेश से और यहाँ आमद हो रही है, उसको हम प्रभावी रूप से उसके उस पर लगाम लगाने की कार्रवाई कर सकें। इसी से जुड़ा हुआ एक चीज़ जो NDPS के साथ साथ हथियारों की तस्करी के रूप में मुझे अभी बताया गया कि इस एरिया में काफ़ी इस तरह की गतिविधियां भी होती रही हैं, तो उस पर भी हम प्रयास करेंगे कि हम सख्त कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा ये चित्तौड़ की नगरी जो है, यहाँ पर्यटन के लिहाज से भी और धार्मिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, तो काफ़ी बाहर के लोगों का आवागमन रहता है। तो किसी ने ये भी बताया कि लपकागिरी वगैरह इस तरह की जब टूरिज्म अपने पूरी तरह से हो तो इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, तो प्रयास करेंगे कि पुलिस का रिस्पॉन्स उसमें बेहतर रहे। और इसके साथ साथ जो हमारे कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप्स हैं, पुलिस मित्र हैं, ग्राम रक्षक हैं, सुरक्षा सखी हैं, इनके माध्यम से पब्लिक के साथ हमारा बेहतर संवाद हो, हमारे बीच अच्छा सामंजस्य हो और हम लोगों के बीच एक विश्वास की भावना पैदा कर पाएँ। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध इन दिनों हो रहे हैं उस पर लगाम लगाने की कोशिश कर पाएँ और बेहतर संवाद के माध्यम से लोगों को सुरक्षित महसूस हो, पुलिस के प्रति उनमें विश्वास पैदा हो, इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। ज्वाइन करने से पहले एक बड़ी चुनौती आपके सामने गंगरार प्रकरण भी है, जो आपने सुना भी होगा और आपके ध्यान में भी होगा। इस प्रकार की जब चुनौतियां सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर आप महिला होने के नाते समझ सकती हैं दर्द क्या होता है। सरकार भी गंभीर है इन मामलों को लेकर। इस प्रकार के मामले अगर सामने आते हैं तो क्या एक्शन होगा? जिस प्रकार का हमारा सामाजिक ताना बाना है, इस तरह की घटनाएं आप सही कह रहे हैं कि होती हैं और बहुत ही दुखद है कि यदि कोई ऐसी घटना होती है, तो पुलिस के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम इमीडिएट तौर पे इसमें एक्शन लें, तो जो कि वर्तमान में पुलिस ने, चित्तौड़गढ़ पुलिस ने भीलवाड़ा पुलिस के सहयोग से लिया, इमीडिएट FIR लॉन्च की गई। उसमें जिन लोगों को, क्योंकि बालिका पूरी तरह से बताने में सक्षम नहीं थी, फिर भी पुलिस ने पूरे प्रयास किए हैं और जो आसूचना और मुखबिरी इकट्ठी की है उसके हिसाब से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है।
और हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा कर सकें। तो त्वरित कार्रवाई और साथ ही साथ यदि घटना हो जाती है तो त्वरित कार्रवाई हो, और घटना ना हो इसके लिए महिलाओं बच्चियों को जागरूक करना, कानून की जानकारी देना, इस प्रकार के अपराध हों तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उनको प्रेरित करना, और साथ ही युवाओं को भी जागरूक करना कि इस तरह के अपराधों में संलिप्त होने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो ये थे 2009 बैच के IPS अफसर प्रीति जैन। उन्होंने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि ज्वाइन करने के बाद उनकी किस प्रकार की कार्यशैली रहेगी। इरादे बिल्कुल खुलकर सामने हैं कि जो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस को करना है वो तो करेंगे ही, लेकिन नवाचार करने का भी प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ PK अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने रीट सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं में हुए कथित फर्जीवाड़े की CBI जांच की मांग की है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने सरकार से कुछ और मांग भी की है, जिनमें भर्ती परीक्षाओं की OMR शीट में 5वां ऑप्शन अनिवार्य करने, परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों के बैठने के बाद ही पेपर भिजवाने, भर्ती परीक्षाओं के पेपर लाइव कैमरों की निगरानी में रखने की मांग शामिल है। पटवारी भर्ती का अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया है उसके हालात इतने गंभीर है, लोग रो रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर हमारे साथ ठगी होगी, तो उसकी भी जांच करवाइए। आज पढ़ने वाला बेरोजगार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, इन तमाम बिंदुओं की जांच करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसके अलावा हम मांग कर रहे हैं, एक खेल और बताया जा रहा है जो अधिकतर सुनने में आता है कि OMR शीट में खाली छोड़कर बाद में पीछे से गोले बनाने का काम चल रहा है, तो हमने कहा है कि 5वां विकल्प भी रखा जाए कि यदि कोई 4 खाली छोड़ता है तो उसमें लिखे हमने खाली छोड़, अन्यथा माइनस मार के, ये भी लागू किया जाए, ये भी मांग हम करें क्योंकि बीच में कोई खेल नहीं हो। दौसा के मंडावरी के बिनोरी गांव में महिला की मौत के बाद झोला छाप के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई है, जिसके बाद CMHO ने भी सेक्टर प्रभारी को झोला छाप के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। बताया जा रहा है एक महिला को तबीयत खराब होने पर बंगाली डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया था, जहाँ डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की तबीयत और बिगड़ गई और लालसोट लाने तक उसकी मौत हो गई। बिल्कुल, मेरी बीच में से बात हुई है, तो वहाँ एक मौत का मामला सामने आया, तो उन्होंने FIR करवाई, तो भी मेरी बीच में से बात हुई, तो उन्होंने जो सेक्टर प्रभारी हमारे जो चिकित्सा अधिकारी उनको भी निर्देश दे दिए हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई करके और FIR करा के उनको सूचित करें, और इसी तरह के अगर मान लो और भी आसपास इस तरह के जो अवैध जो चिकित्सक जो जिनको झोला छाप बोल रहे हैं वो अगर कार्य कर रहे हैं, चिकित्सा कार्य कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी उसको निर्देश दे देगा कार्रवाई।